Okay, now done with the new thing. That is a stack. Okay, stack. देखते हैं कि stack का definition क्या है. So, what is the definition of the stack? In this type of data structure, insertion and deletion of the element performed on one end. That is the top. That is called as a we can say stack. Yes. Insertion or deletion of the particular element वो कहाँ पर परफॉर्म होता है? टॉप पर परफॉर्म होता है. यस, खाली वन एंड पर, डेट इज अ टॉप. वन एंड डेट इज अ टॉप. यस, खाली टॉप पर ही इंसर्ट और डिलीट परफॉर्म होगा. डेट इज कॉल्ड एज अ स्टैक. इट फॉलो लीफ लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉर द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ द एल्गोरिदम. सॉरी, insertion and deletion of the elements. Now we can say जो भी data insert होगा वो कहाँ पर होगा? Top पर insert होगा. और delete कहाँ पर होगा? Top से ही हम delete करेंगे, यानी कि ऊपर से ही हम insert करेंगे और ऊपर से ही हम delete करेंगे. Yes, so that is a stack. It follows the LIFO. हमें याद रखना है कि ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करता है? LIFO फॉलो करता है. ओके, नाउ स्टैक इज द पूल व्हेन टॉप ग्रेटर और इक्वल टू द साइज ऑफ द स्टैक. एंड दूसरा कंडीशन क्या है स्टैक के अंदर? स्टैक एम्प्टी होगा कब? व्हेन टॉप इज लेस देन जीरो. अगर हमारा टॉप लेस देन जीरो चला जाएगा तो हमारा स्टैक क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा. और अगर हमारा टॉप पॉइंटर का साइज बढ़ जाएगा और वी कैन से टॉप पॉइंटर ग्रेटर हो जाएगा और वी कैन से इक्वल टू हो जाएगा, देन हमारा स्टैक क्या हो जाएगा? फुल हो जाएगा. सो ये दोनों कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टैक के अंदर. नेक्स्ट वन इज द स्टैक ऑपरेशन. वी हैव फोर टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑन द स्टैक. जो उसमें से फर्स्ट वन है डेट इज अ पुश ऑपरेशन. पुश क्या होता है? इंसर्टिंग एन एलिमेंट ऑन द स्टैक. यस, पुश यानी कि क्या? एलिमेंट को इंसर्ट करना कहां पर? स्टैक के अंदर. नेक्स्ट वन ऑपरेशन इज द पॉप. रिमूविंग और डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक. यस, अगर हम कोई भी एलिमेंट को डिलीट करते हैं डेट ऑपरेशन इज कॉल्ड व्हाट? पॉप ऑपरेशन. नेक्स्ट वन ऑपरेशन इज द पीप. पीप ऑपरेशन यानी कि क्या? व्यू द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक. दैट इज कॉल्ड एज अ पीप ऑपरेशन. पर्टिकुलर पोजीशन से अगर हमें कोई भी एलिमेंट व्यू करना है तो उसके लिए हमें पीप ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन इज द चेंज ऑपरेशन. चेंज ऑपरेशन के अंदर क्या होगा? चेंज द एलिमेंट इन अ स्टैक. पर्टिकुलर जो स्टैक है हमारा उसके अंदर हम पर्टिकुलर पोजीशन से हम एलिमेंट को चेंज करेंगे. ओके, सो ये चार ऑपरेशन थे स्टैक के अंदर. नेक्स्ट वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टैक. वी कैन से स्टैक कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू वेज. फर्स्ट वन, इट कैन बी अ स्टैटिक और वी कैन से फिक्स साइज ऑफ एरे और डायनेमिक by using the linked list. Yes, so stack को हम दो तरह से create कर सकते हैं. First one जो होगा हमारा by using the array, जो हम normally use करते हैं array का, तो array से हम implement कर सकते हैं stack को. और जो हमारा second way है implementation का, that is the dynamic. Dynamic means what? By using the linked list method or any other method जहाँ पर हमारा stack का size फिक्स नहीं होगा. सो दैट इज अ डायनेमिक टाइप ऑफ स्टैक. ओके, नाउ लेट अस सी. यहां पर एक एग्जांपल दिया है, दैट इज अ इंसर्शन. इंसर्शन कहां पर होगा? वी कैन से इंसर्ट यानी कि क्या? पुश ऑपरेशन. पुश ऑपरेशन कैसे होगा? जो भी हम एलिमेंट रखेंगे वो टॉप पर रखेंगे. यस, सो दैट इज अ पुश ऑपरेशन. अगर हम कुछ भी एलिमेंट डिलीट करते हैं वो कहां से डिलीट होगा? टॉप पर से. डेट इज अ वी कैन से पॉप ऑपरेशन. सेम वे यहाँ पर दूसरा एक एग्जाम्पल दिया गया है, डेट इज प्लेट. वहां पर अगर हम
कहीं पर भी जाते हैं फंक्शन में प्लेट कहाँ पर रखेंगे, टॉप पर रखेंगे, और कहाँ से हम प्लेट को उठाएंगे, फ्रॉम द टॉप। सो इंसर्ट कहाँ पर होगा, टॉप पर होगा, और डिलीट कहाँ पर होगा, टॉप पर होगा। ओके, दूसरे एक एग्जांपल दिए गए हैं, डेट इज अ वी कैन से कार्ड्स। कार्ड्स को अगर हमें लेना है तो हम सबसे पहले कौन सा कार्ड लेंगे, फर्स्ट वाला, और कार्ड्स के ऊपर अगर हमें कुछ नए कार्ड रखने हैं तो हम कहाँ पर रखेंगे, ऑन द टॉप। यस, सो वन बाय वन हम कार्ड को पिकअप करेंगे। सेम है यहाँ पर, प्लेट्स जो मैंने प्रीवियसली बताया था ये सेम एलिमेंट है। एग्जाम्पल है, डेट इज कोई भी नया प्लेट है वो कहाँ पर आएगा, टॉप पर आएगा, और अगर कोई भी नया प्लेट जा रहा है या कोई भी हमें प्लेट उठाना है तो वो हम कहाँ से उठाएंगे, ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। सो वी कैन से कोई भी फंक्शन होता है तो फंक्शन में हम प्लेट्स टॉप पर ही रखते हैं और टॉप से ही उठाते हैं। सो दैट इज द बेस एग्जांपल ऑफ द स्टैक। ओके, नाउ लेट अस सी द ऑपरेशन दैट विल बी परफॉर्म ऑन द स्टैक। यस, फर्स्ट वन ऑपरेशन कौन सा होगा, पुश। तो पुश का एल्गोरिदम देखते हैं, एल्गोरिदम पुश। पुश एल्गोरिदम के अंदर क्या होगा, दिस एल्गोरिदम इंसर्ट आइटम इन द स्टैक। ये क्या करेगा, पर्टिकुलर आइटम को स्टैक में इंसर्ट करेगा, ये एल्गोरिदम का काम ये है। यस, नेक्स्ट वन इज द वेरिएबल्स। ये जो सारे हैं वो क्या है, वेरिएबल्स है जो हमें स्टैक के अंदर इंसर्ट करने हैं। फर्स्ट वन वेरिएबल कौन सा होगा, डेट इज द टॉप, इट इज अ टॉप पॉइंटर इन द स्टैक। एस क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट इज अ वन टाइप ऑफ एरे। आइटम क्या होगा, जो भी हमें नया आइटम इंसर्ट करना है, डेट इज अ आइटम वेरिएबल। नेक्स्ट वन इज द साइज। हमने स्टैक का कोई भी साइज रखा होगा, 3, 5, 10, सो यहाँ पर वी कैन से साइज ऑफ द पर्टिकुलर स्टैक। नेक्स्ट वन लेट अस सी द एल्गोरिदम। स्टेप वन, स्टेप टू एंड स्टेप थ्री में हमारा एल्गोरिदम कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिदम है। यस, स्टेप वन इन दिस वी चेक द कंडीशन कि स्टैक अगर फुल हुआ है या नहीं हुआ है। अगर स्टैक अगर फुल है देन वी हैव टू प्रिंट द मैसेज स्टैक इज ओवरफ्लो। अगर फुल नहीं हुआ है तभी हम स्टैक के अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे या आइटम को इंसर्ट करेंगे। यस, सो फर्स्ट वी चेक द इफ टॉप ग्रेटर और इक्वल टू साइज है या नहीं। अगर है देन वी हैव टू प्रिंट स्टैक इज ओवरफ्लो। अदरवाइज स्टेप टू में जाएगा। स्टेप टू क्या करेगा, टॉप के पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेगा। यस, सो डेट इज द टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस वन। स्टेप थ्री, यस, स्टेप थ्रू थ्री के अंदर क्या होगा, डेट इज द एस ऑफ टॉप, यानी कि टॉप पोजिशन पर हमें क्या रखना है, आइटम रखना है। सो जो भी हमारा नया आइटम होगा वो कहाँ पर जाएगा, टॉप पर जाएगा इन द स्टेप। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द व्हाट इज द डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ द स्टैक, एग्जांपल ऑफ द स्टैक, ऑपरेशन परफॉर्म्स ऑन द स्टैक एंड एल्गोरिदम ऑफ पुश। थैंक यू।